ओम शांति। कहा जाए कि आम जीवन प्राप्तिर अंतराल भाग्य आ भगवान लीला रही। ईश्वर जहार भाग्य जी लेखती ही ताकु मिले। आमती भी कहा जाए कि दाने दाने में लिखा हुआ है खाने वाला का नाम। क्या कौन मिल कौटी क्या जीवन कौ समय विचरण करने को हम से सबू नियम निर्धारित हो संबंध में आज आम कहानी शुणा। थरे गुरु नानक देव तांकर दुई जन शिष्य सहित गोटे गाँ को जाते शिष्य मैंने जनक ना थिला बाला आउ जनक ना थिला मर्दाना। बाला बिल्कुल चुपचाप सीए तार मने मने प्रभु स्मृति रे गुरु आज्ञा को स्वीकार करिवारे सीए तत्पर थांती किंतु चुप रहती। मर्दानांकर संस्कार किंतु बिल्कुल विपरीत। सीए गोटे कथा हेले से क्षीय काढ़ीकरी अनेक प्रश्न पचारती। गोटे कथारु नथा काढ़ीकरी अनेक कथा करी पकांती। से मैंने जाऊ जाऊ बाटरे गोटे बिल्लारे देखिले कि बहुत मक्का लगिथिला। से मक्का खेत दे गला बेले मर्दाना गुरु को पचारिले गुरुजी ए जो मक्का खेतरे मक्का अच्छी मक्कार जिते दाना अच्छी ए सबू दाना मानकर कौन भाग्य पूर्व निर्धारित। गुरु कहले हाँ ये तो है ईश्वरंकर आ संसार प्रकृतिर नियम कि ए प्रकृति भितर ए प्रकृतिर कूल जिते खाइबार शस्य उत्पन्न होती प्रत्येक दाना उपरे मोहर जमी लगी कि किए क्या ग्रास कर एक कथा किंतु भल्लरे मर्दाना ग्रहण कर पारे तांको मनरे हुए तो अनेक प्रश्नवाची थिबो किंतु सीए सेमती जाओ जाओ बिल भितर को पशिकी गोटे मक्का तोली आनले। आउ गुरुजी को देखेकी कहिले ए गोटे मक्कार मध्य आपण कहिबा अनुसार प्रत्येक दानार भाग्य अलग अलग हो पारे ना। गुरुजी कहले हाँ निहाती एमती कथा है कि गला बेले से गोटे दाना काढ़ीकरी निज हाथ में रखिकी गुरु को नानक देव को पचारे महाराज आपण टिके देखिकी कहतु यो दानाटा मो हाथ में अच्छी ये कहापी योग्य आर भाग्य कहार पेट को जीवापी अच्छी। नानक देव मध्य बड़ गंभीर टिके देखिले आउ कहिले जहाँ लगुच ये गोटे कुकुड़ा पेट को जीव टिके ताच्छल्यतार दृष्टि दे से मर्दाना नामक शिष्य हाथ में थिबा से मक्का दाना को निज मुहरे पकईकिरी गुरु को कहिले तेबे एबे तो ए प्रकृतिर जो नियम ईश्वरंकर जो सिद्धांत से तो परिवर्तन हो गला एबे तो से मक्का दाना मो मुह को गला एतिकी कहिचंती से मक्का जो दानाटा से जाकि मर्दानांकर श्वास नली रे अटकी गला। से सेठु छटपट हेकिरी कहिले गुरु मते किछि करंतु नले मु बंचिबिनी कारण श्वास नली रे से मक्का दानाटा अटकी जायथाय। गुरु कहिले कौन करिबा किछि आम हाथ रे नाही ए पाख गाँव रे कई बैध हेरिका थिबे तो तांकु देखेबा एया कहिकिरी बड़ कष्ट रे से पाख गाँव रे थिबा वैद्य को देखेले आ वैद्य जनक देखिकिरी गोटे औषध काढ़िले जहा कि बहुत कड़ा ता दुर्गंध भी होथाए से मर्दानार नाक रे पकई देले बहुत कड़ा थिला तीखा कड़ा भी थिला आउ सी जिते बड़े नाक रे पशिगला सुंगिला मात्र के मर्दाना छिंकी पकेले छिंकी जोगु तंका तंटी रे अटकी थिबा
ସେ ମକା ଦାନା ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ସିଏ ଆସିକି ସେ ମକା ଦାନାକୁ ଖାଇ ପକେଇଲା। ଏତକ ଦେଖିକିରି ମର୍ଦ୍ଦାନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି ମହାରାଜ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଏ ଜୀବନରେ ଭୋଗୁଛେ, ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆଉ ଯାହାର ପାଇଁକି ଯାହା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ହେଇପାରେ ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଭୋଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।